कोरोना ने पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है। इसका असर महाराष्ट्र पर भी दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीज दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। यही हाल नागपुर शहर का भी है। कोरोना वायरस बढ़े नहीं, इसके लिए प्रशासन लोगों से जरूरत हो तभी घर से निकलने की हिदायत दी है। साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से धारा 144 भी लागू कर दी गई है। सब शहरवासियों के लिए लिए गए अहम निर्णय है, मगर शहर के कुछ परिसर में इस निर्णय को लोग अनदेखी कर रहे हैं, तो कहीं इस पर अमल भी किया जा रहा है। हमारे टीम ने मुख्य बाजारों में इसका जायजा लिया है। आइए देखते हैं इन बीसीएन न्यूज की ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस, चीन के वुहान से फैली यह महामारी जिससे पूरी दुनिया लड़ने का प्रयास कर रही है, लगातार इसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इससे मरने वालों की संख्या पूरी दुनिया में 4,500 से अधिक है, जबकि भारत देश में इसके 145 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 50 के करीब पहुंच गई है। इस महामारी में सावधानी बरतते हुए कई राज्यों और शहरों में सार्वजनिक स्थलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। नागपुर शहर भी उन्हीं में से एक है। जिला अधिकारी ने आयुक्त तुकाराम मुंडे को सार्वजनिक स्थलों को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए हैं। सार्वजनिक स्थलों में मॉल, सिनेमा हॉल, मार्केट, गार्डन्स, बार्स एंड रेस्टोरेंट्स, पान ठेलों, ग्रोसरी शॉप्स, इन सभी का समावेश है। 31 मार्च तक सार्वजनिक स्थल तो बंद रहेंगे ही, साथ ही प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू की गई है, जिसके तहत 5 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह पर साथ नहीं रह सकते। प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि आम नागरिक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे और किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का सामना ना करे। इन निर्देशों को नागरिकों का कितना सहयोग है, यह देखने के लिए एनबीसीएन की टीम ने सार्वजनिक स्थलों का परीक्षण किया, जिसमें बरडी, बुधवारी बाजार, इतवारी और महल परिसर अहम थे। कुछ जगहों पर भीड़ देखने को मिली तो कुछ जगहों पर सन्नाटे का माहौल छाया रहा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा कई इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं, साथ ही लोगों को भी अवेयर किया गया है कि घर से जरूरत के कामों के लिए ही बाहर निकले, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए। लेकिन हम शहर के बर्डी मार्केट देख रहे हैं, बर्डी मार्केट में लोगों की भारी मात्रा में भीड़ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर जो है लोग जो है सतर्क नहीं है, जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है, ऐसा कहने को कह सकते हैं। जिस तरह से शहर में 144 धारा भी लागू कर दी गई है ताकि कोरोना का फैलाव ना हो, कोरोना के मरीज ना बढ़े, और सतर्क रहने के लिए जो है प्रशासन द्वारा हर वो जो सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन नागरिकों ने भी सतर्कता अपने में लानी चाहिए ताकि कोरोना का फैलाव ना हो सके। रास्ते पर भी हम देख पा रहे हैं जो है भीड़ उसी तरह दिख रही है। कहीं भी जो शासन का आदेश है, कहीं भी नहीं लग रहा है कि लोग घर से काम के लिए ही बाहर निकल रहे, ऐसा रास्ते पर से भी नहीं दिख रहा है। काफी मात्रा में लोगों की भीड़ भी हमें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अब लोगों में खुद अवेयर होने की जरूरत है और अपने काम के लिए ही बाहर निकले, बेवजह बाहर ना निकले। जो प्रशासन द्वारा जो अवेयर किया जा रहा है उसी का पालन अब नागरिकों ने करना चाहिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कोतरागढ़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, एनबीसीएन न्यूज नागपुर। बर्डी के बाद हमारी टीम बुधवारी बाजार पहुंची, जहां माहौल सामान्य था। सभी लोगों की आवाजाही शुरू थी, मानो लोगों को किसी तरह के सतर्कता की आवश्यकता ही ना हो। हम खड़े हैं नागपुर के बुधवारी बाजार में। कोरोना वायरस के चलते शहर में धारा 144 लागू की गई है, फिर भी आज यहां बाजार भरा है। इस बाजार में तादादों की संख्या में नागरिक आ रहे हैं, लोग सब्जी खरीद रहे हैं। हम देख सकते हैं कि एक से अधिक संख्या में, 5 से अधिक संख्या में यहां लोग इकट्ठा दिख रहे हैं, एक साथ बगैर किसी सावधानी बरते, बगैर किसी मास्क पहने हुए लोग सब्जी खरीद रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, पास से करीब से हाथ पकड़ रहे हैं एक दूसरे को। सरकार द्वारा बार बार निवेदन किया जा रहा है कि नमस्कार करिए, सावधानी बरते, मास्क पहनिए। फिर भी हम देख सकते हैं कि बाजार में किस तरह से भीड़ देखी जा रही है, जो कि कोरोना वायरस के संक्रमण में एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है, जो सरकार द्वारा बार बार निवेदन किया जा रहा है, फिर भी लोग
घर से निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना टाल नहीं रहे हैं। ऐसी जगह सरकार द्वारा बार बार निवेदन किया जा रहा है कि ऐसी जगह ना जाए, मंदिर में, मस्जिद में, कोई भी धार्मिक स्थल हो या बाजार हो, भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से टालना चाहिए। फिर भी लोग खबरदारी नहीं बरत रहे इस, और अगर कुछ संक्रमण पाया गया या किसी को कोरोना वायरस से बाधित पाया गया तो इस ओर प्रशासन क्या करेगा, इसमें लोग प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन हमने भी सावधानी बरतनी चाहिए और प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। ऐसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से टालना चाहिए, लोगों से दूर से बात करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि उबली हुई सब्जियां खानी चाहिए। प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए हमें ताज़ा अच्छा खाना खाना चाहिए, गर्म पानी से गरारे करने चाहिए, जिस वजह से कोरोना वायरस का जो संक्रमण होता है, कहते हैं कि कोरोना वायरस के जो विषाणु हैं वो भारी रहते हैं तो वो संक्रमण नहीं फैलता। अगर हम लोग गर्म पानी से गरारे करते हैं तो गले में ही उसके विषाणु मर जाते हैं। साथ ही एक और बात कि हम लोग स्वच्छ और साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने ताकि संक्रमण जो है ना फैले। लोगों ने कोरोना वायरस के चलते खबरदारी बरतनी चाहिए, अपनी सावधानी बरतनी चाहिए, अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण जो है फैलने से रोका जा सकता है। बर्डी और बुधवारी बाजार, इन इलाकों में भीड़ देखी गई। इससे कहा जा सकता है कि लोगों में अब भी जागरूकता का अभाव है। जहां बुधवारी और बर्डी मार्केट में भीड़ थी, वहीं दूसरी ओर इतवारी और महल परिसर में ग्राहक इक्का दुक्का थे और अन्य लोगों में राहगीरों का समावेश था। पूरे विश्व में अभी जहां कोरोना वायरस जैसी महामारी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, उसी के चलते पूरे विश्व में देश और राज्यों को लेकर शहरों में इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन ने 144 धारा अनिवार्य की है। प्रशासन ने सभी को सचेत किया है कि जगह जगह पर जो भीड़ दिखती थी वैसी भीड़ ना दिखे, इसलिए उनको एक साथ निकलने के लिए बाहर मना किया है और सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। इसी के चलते ये असर नागपुर शहर में भी देखा जा रहा है। नागपुर शहर की जो आम नागरिक है वो इस प्रशासन के इस फैसले का सपोर्ट कर रही है। आप देख सकते हैं हम अभी फिलहाल है इतवारी होलसेल बाजार में है, जहाँ पे हमेशा लगातार ग्राहकों की भीड़ दिखा करती थी, लेकिन अभी वह बहुत कम हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये जो है जाने आने का जो रास्ता है वो भरा हुआ है, वो इस तरह से भरा हुआ है, सिर्फ यहाँ से आने जाने वाले जो लोग हैं। लेकिन जो ग्राहक जो दुकानों में शॉप्स में खरीदारी के लिए आते थे, उनकी आपको अकाल दिखेगा। जब व्यवसायियों से बात हुई तो उन्होंने बीते दिनों कोरोना वायरस से व्यवसाय के प्रभावित होने की बात कही। कोरोना का पूरा मार्केट देखो, पूरा सुनसान लगा हुआ है, गिरे लोग, 4-5 दिन से तो हालत खराब है, लेना देना कुछ भी नहीं, बस आओ और जाओ। नहीं, भीड़ भाड़ तो 3-3.5 बजे के बाद भी भीड़ थोड़ी बढ़ती है, लेकिन फिर भी 4-5 बजे वापस मैदान साफ। नुकसान भाई, रुपए के 10 पैसा धंधा हो रहा है तो नुकसान ही नुकसान है ना भाई, लेना नहीं देना नहीं। अभी अगर पेमेंट करना है तो पेमेंट कहाँ से करेंगे, 50,000 का धंधा, 50,000 में 10,000 आएंगे तो किसको देंगे अपन। महल परिसर जहाँ लोगों का मजमा लगा होता है, वहाँ भी सन्नाटा देखने को मिला। नागपुर शहरामध्ये कोरोनाचे रुग्ण वाढतात आहेत, त्याच्यासाठी राज्य सरकार आणि नागपूर महानगरपालिकेने काही सावधगिरीचे निर्णय घेतले आहेत। राज्य सरकारने नागपूर शहरामध्ये कलम 144 लागू केली आहे, तर राज्य सरकारने नागपूर महानगरपालिकेकडून लोकांना सावधगिरीसाठी गरज असेल तर घराच्या बाहेर निघा असे निर्देश देण्यात आले आहे। निर्देशावर नागपूर शहरातले नागरिक हे खरे उतरले आहे। आता आपण भडका सोका दुबा आहे, इथून आपण सरळ पाहू शकतो, हा आहे केळीबाग रोड परिसर। रोज या रस्त्यावर खूप गर्दी असते, ग्राहकांची ग्राहक एकच असतात, लग्नाचे सीझन चालू आहे, त्याच्यामुळे इथे कपडे खरेदीसाठी भांड्यासाठी गर्दी असते। आज पाहू शकाल असेल तर पूर्ण रस्ता सांसूम आहे, येण्याजाणारी वर्दळ आहे, पण ग्राहकांची कुठेतरी ओसाड झालेला आहे, ग्राहक इथे नाही आहे। त्यामुळे नागपूर शहरातले जे नागरिक आहे ते स्वतःची आणि आपल्या परिवाराची काळजी घेताना दिसतात। प्रशासन द्वारा लिए गए इस फैसले का सहयोग तो किया जा रहा है, किंतु इसका असर मार्केट के व्यवसायियों पर भी हो रहा है। कोरोना का वाकई में बहुत ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से हम न्यूज़ में देख रहे हैं आए दिन कि काफ़ी जगह पर काफ़ी कम मरीज पाए जा रहे हैं,
तेलंगाना में या उधर ज़्यादा है और महाराष्ट्र की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 47 के करीब आज महाराष्ट्र की संख्या दिखाई दे रही है और ऐसे में हमें सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर माध्यम से हम देख रहे हैं, चाहे वो कला संस्कृति हो, पुलिस वाले हो, डांस करके बता रहे हैं कि साफ़ सफाई किस तरह से रखी जाए और बार बार सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हमने करना चाहिए, बार बार साबुन से हाथ हमने धोना चाहिए और सतर्कता ही इसका सही मायने में इलाज भी है। 2-3 दिन में तो इतना असर पड़ा है कि एकदम रुपए में 4 आने का असर पड़ गया है। ग्राहक जो है वो और पब्लिक जो है वो आइसक्रीम खाना पसंद नहीं कर रही है और सतर्कता पाल रही है कि ठंडा नहीं खाना चाहिए, लस्सी नहीं पीना चाहिए, तो फर्क तो बहुत ज़्यादा पड़ा है। कोरोनामुळे मार्केटवरती भरपूर प्रमाणात मंदीची लाट आलेली आहे आणि महाल परिसरामध्ये तर धंदे नाहीचे बरोबर आहे, त्याच्यामुळे आमच्या इकडे ग्राहकीचा अभाव आहे। सोन्याच्या भावामुळे पण ग्राहकीवरती असर पडलेला आहे आणि कोरोनामुळे पण पडलेला आहे, त्याच्यामुळे धंदा 10%च्या वर नाही आहे। जो धंदा रेग्युलर होता सगळ्या दुकानदारांचा, सर्व व्यवसायांचा, तो 10%वर येऊन थांबलेला आहे। मार्केटमध्ये लोकच बाहेर निघून नाही राहिले, त्याच्यामुळे ग्राहक नाही आहे। असर तर पड गया इसका, 90% पड गया है और आगे भी पड़ते जाएगा, क्योंकि ग्राहक बाहर से आने वाला है नहीं अभी और सब बाजार हाट सब बंद हो गए। अभी ये तो 2-3 दिन से चालू हुआ। अभी ग्राहक क्या गवर्नमेंट के ऊपर है पॉलिसी, क्या बसें चालू बंद कर रहे हैं, ट्रेनें रद्द कर रहे हैं, इससे कौन आएगा जाएगा? व्यापार पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा ना। कोरोना ने पूरे देश को मानो बंद की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया हो, सारा देश जैसे रुक सा गया हो। जागरूकता जरूरी है, लेकिन साथ ही जीवन व्यापन के लिए रोजमर्रा का काम होना भी आवश्यक है। 31 मार्च के बाद यह स्थिति कितनी सुधरती है या ऐसी ही रहेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नागपुर से NBCN की स्पेशल रिपोर्ट।